परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला जी, माननीय राज्य मंत्री श्री पी राधाकृष्णन जी, कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा जी, अरुण पांडा जी, राजीव कुमार जी और सभी विभाग के आए हुए अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, मेरे लिए आज सौभाग्य का अवसर है एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी महान भावों का स्वागत व अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला। मित्रों, पूरे देश में एमएसएमई के लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई हैं एनएसएसओ के मुताबिक, और लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है। प्रधानमंत्री जब से आए, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उन्होंने हम सबों को प्रेरित किया, जिसके कारण देश और दुनिया में पहली बार हमने कोई उद्यमी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब जाता है उसे डीआईसी ऑफिस जाना पड़ता, लेकिन 3 मिनट में सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने शुरू की। महोदय, एमएसएमई संबंध जो आज आपने प्रोक्योरमेंट सेंट्रल सीपीएजी से खरीदारी का तो था, लेकिन कंपलसरी 20% हमने उसमें आपके नेतृत्व में डाला, जिसके कारण 90,000 उद्यमियों को इसका फायदा हुआ, और साथ ही साथ एससी एसटी के उद्यमी भी लगभग 600 उद्यमियों को इसका फायदा मिला। एससी एसटी हब जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हमने पूरे देश में 29 स्थानों पर कंक्लेव करके एक तरफ उनको जगाने का भी काम किया। सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी पीएमईजीपी है और सीजीटीएमएससी, जिसमें आपने पहले 1 करोड़ तक का प्रावधान था, आपने उसे आते ही 2 करोड़ किया। उसके कार्पस फंड केवल 2,500 करोड़ थे, वो आपने 7,500 करोड़ किया, जिसके कारण पिछले वर्ष से लेके अब तक लगभग पीएमईजीपी और सीजीटीएमएसएमई में 11 लाख करोड़ पीछे था 2010-2014 में, वो लगभग 16 लाख एंटरप्रेन्योर को पहले मिला, अभी हम जोड़ते हैं तो 19 लाख करोड़, इन 19 लाख एंटरप्रेन्योर को हमने आपके नेतृत्व में उनको बैंकों से पैसा दिलाने का काम किया, जिसकी राशि सारे राशि को हम मिला लेते हैं तो लगभग 2 लाख करोड़ के करीब में आता है, और आज लगभग 2 करोड़ से ऊपर लोगों को, अगर 19 लाख एंटरप्रेन्योर खड़े हुए हैं तो उनको रोजगार भी मिला है। तीसरा मेरा सबसे बड़ा आपके नेतृत्व में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 2010 से 2014 में मात्र 17 हुआ था, अभी हमने 182 क्लस्टर बनाया है, जो आर्टिजन बेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है प्रधानमंत्री जी, जिसमें लगभग 1 लाख एंटरप्रेन्योर को फायदा हुआ है। अभी अभी आंध्र में एक इमली के लिए हमने क्लस्टर बनाया, जिसमें 35,000 महिलाओं को उससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 69 में खड़ा हुआ, जिसे हम टूल रूम कहते हैं, मात्र अब तक 18 टेक्नोलॉजी सेंटर था, लेकिन आपके नेतृत्व में 15 टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसका केवल शिलान्यास ही नहीं, 10 का दिसंबर तक में ऑपरेशनल होगा, जो 30 साल में 18, अभी तक में 15 और भी आपने आशीर्वाद दिया है, जिसका आप खुद बताएंगे। हमने खादी के सेक्टर में 3 गुना का छलांग लगाने का काम किया, केवल खादी ही नहीं, विलेज इंडस्ट्री जो 31,000 से हमने उसको 60,000 करोड़ पर ले जाने का काम किया,
क्वाड के सेक्टर में 2017-18 में जो पहले 14,000 करोड़ था, 1400 करोड़, 1476 करोड़, उसे बढ़ा करके 2450 करोड़ पर ले जाने का काम किया एक्सपोर्ट में। मुझे उपलब्धियां और भी हैं, लेकिन आज मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। आज का दिन मेरे लिए और एसएमई के लिए, सभी उद्यमियों के लिए शुभ का दिन है। देश में अब तक कभी किसी प्रधानमंत्री और किसी सरकार ने इतना बड़ा एफर्ट नहीं किया होगा जिसका आज आप शुभारंभ कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे देश के उद्यमियों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आने वाले दिन में हम हर क्षेत्र में एक ऐसा माइलस्टोन साबित करेंगे जो देश और दुनिया में एमएसएमई जो आर्थिक रीढ़ है वो और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।